ये हैं भारत में जन्मे लेकिन अमेरिका के ग्रेटर बोस्टन में रह रहे पीवीआर नरसिम्हा राव। पेशे से राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन भारत की प्राचीन ज्योतिष विद्या में इनकी गहरी रुचि है। इतनी गहरी कि इसे ही अब इन्होंने अपनी महारत बना लिया है। राव ने ज्योतिष के अपने अथाह ज्ञान और आईटी के स्किल का फ्यूजन कर अपना ही एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर जगन्नाथ होरा तैयार कर दिया। राव आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। इन्होंने हॉस्टन की राइस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली है। ये हिंदी और संस्कृत के भी प्रखंड विद्वान हैं। अब इनकी ज्योतिष विद्या के दर्शन कीजिए। इन्होंने अभी से 2020 से 2034 के बीच होने वाली दुनिया की बड़ी उथल पुथल की भविष्यवाणी कर दी है। राव की भविष्यवाणी के मुताबिक 2020 से 2023 के बीच दुनिया के लिए बेहद ही अराजकता का वक्त होगा। साल 2023 से जगत के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा और 2034 में जाकर खत्म होगा। तब ही जाकर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं स्थिर हो पाएंगी। इसी समय काल में अमेरिका अपनी सर्वोच्च स्थान वाली स्थिति को खो देगा और इंग्लैंड की तरह दूसरे पायदान के देशों में शुमार हो जाएगा। इसी दौरान एशिया में भी बड़ा बदलाव होगा। चीन, जो दुनिया में नंबर वन बनने का सपना देख रहा है और इसके लिए बड़े बड़े प्रपंच कर रहा है, उसके सोवियत संघ की तरह छोटे छोटे कई टुकड़े हो जाएंगे। इसी दौरान दुनिया में एक नए फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम यानी नई आर्थिक प्रणाली का जन्म होगा, जिसमें पूंजीवाद की अच्छाइयां समाजवाद के साथ समाहित हो जाएंगी और इस नई व्यवस्था की अगुवाई करेगा भारत। आने वाली शताब्दी ही नहीं बल्कि सहस्राब्दी भारत की ही होगी। इस दौरान भारत ही दुनिया की सुपर पावर होगा। भारत मौजूद कोरोना संकट, भविष्य में आने वाली महामारियों और सभी तरह की बड़ी आर्थिक चुनौतियों से बिना किसी नुकसान पूरी तरह से उबर कर बाहर निकल आएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी नरसिम्हा राव ने कई भविष्यवाणियां की हैं। जैसे मोदी के बड़े और कड़े फैसले लेने की रवायत भविष्य में भी यूं ही जारी रहेगी, वे 2022 से 2024 के बीच आने वाली कई बड़ी समस्याओं और चुनौतियों को हल करने में सफल होंगे। सबसे बड़ी बात, मोदी अपना तीसरा चुनाव भी 2024 में जीतेंगे और इससे भी बड़े बहुमत से जीतेंगे। अपने तीसरे टर्म के बीच में वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने किसी साथी को सौंप देंगे जो उनसे उम्र में छोटा होगा। सारी राजनीतिक जिम्मेदारियां त्याग कर वो राज संन्यास के लिए चले जाएंगे। राव ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला वक्त बेहद ही चुनौतीपूर्ण बताया है। 2020 से उनका खराब वक्त शुरू हो जाएगा। वो 2020 का चुनाव भी हार सकते हैं। सितंबर 2020 में वो किसी बड़े महाभियोग से घिर सकते हैं। साल 2020 अमेरिका की सियासत के लिए बेहद ही उथल पुथल भरा होगा। नरसिम्हा राव की ये भविष्यवाणियां अगर सच होती हैं, तो भारत के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण वक्त शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से वैसे भी तमाम भविष्यवक्ता भारत के सुपर पावर बनने के संकेत दे चुके हैं। पीएम मोदी के बड़े फैसले भी इसी ओर इशारा करते हैं। हाल ही का उनका आत्मनिर्भर भारत का सपना इस पूरे सफर में बेहद ही अहम कड़ी साबित हो सकता है।